हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन चिली। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, नमक डालूँगी और एक एग डालूँगी और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। 10 मिनट बाद हम इसमें एक चम्मच अरारोट डालेंगे और 2 से 3 चम्मच मैदा डालेंगे। फिर हम इसको एक बार मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है आप मत डालिए। फिर हम इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसको अच्छे से मिलाना है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए। अब जैसे ये मिल जाएगा हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में ग्राउंडनट ऑयल डाल दिया है। अब ये गर्म हो रहा है तो अब मैं इसमें चिकन के पीस डालूँगी। गाइस, हमें गैस लो पे रखना है, अगर हाई फ्लेम में रखेंगे तो पकौड़ी कच्ची रह जाएगी। अब हम इसको अच्छे से धीमी आंच में फ्राई करेंगे। तो गाइस, यहाँ मेरी पकौड़ी फ्राई हो रही है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, फिर हरा प्याज और शिमला मिर्च जो कि पहले से ही मैंने चॉप करके रखा था। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, फिर इसमें रेड चिली सॉस और ब्लैक सोया सॉस डालेंगे। गाइस, मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, तो इसमें ग्रीन चिली भी डालते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है कि कैप्सिकम और प्याज अच्छे से थोड़ा पक जाए। फिर हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे और उसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने चिकन के पीस डाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें हम आरा रोट और पानी मिला के पेस्ट डालेंगे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। तो इसमें हम 3 से 4 चम्मच वो पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट डालने के बाद जो भी रहेगा लिक्विड वो पूरा सूख जाएगा और ये हमारी ड्राई चिकन चिली तैयार हो गई है। अब मैं इसमें से और थोड़ा सा हरा प्याज ऊपर से डालूँगी। तो ये रेडी हो गई है, अब हम ये इसको सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।